मैं तो पहले इसके लिए पावर पॉइंट को खुलना पड़ता है हम लोगों ने ऑलरेडी एक पावर पॉइंट फाइल बना चुका है सो so, उसे हम खोलने वाले हैं ओके okay? सो so, पहले यू गोना क्लिक ऑन इट एंड स्टार्ट डूइंग इट कैसे क्लिक करना है पावर पॉइंट को कैसे जाना है पावर पॉइंट के अंदर कॉर्टना को क्लिक करो टाइप करो पी ओ डब्ल्यू ई आर करने से ही हमें माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट आ गया So, यहां से आपको ओपन करना पड़ेगा कैसे ओपन कर सकते हो कौन सी टैब में जाना पड़ेगा हमें फाइल वेरी गुड फाइल टैब ओपन और कौन सा ओपन करना है हमें हमें तो जो वो फ्लावर्स हम लोगों ने सेव किया था उसे हम ओपन करना है फ्लावर्स और ओपन ओपन करने से फ्लावर्स आ गया है जो पीपीटी हम लोगों ने ऑलरेडी बनाया था वो अभी आ चुका है फॉर एग्जाम्पल पहले स्लाइड में क्या किया था हम लोगों ने हम लोगों ने एक वर्ड आर्ट किया था और उसके बाद फॉन्ट किया था है ना हम लोगों ने इतना सारा पिक्चर्स भी इंसर्ट किया इसमें पिक्चर्स इंसर्ट किए हैं उसको एडिट किए हैं उसका शेप बदले है ना और ये भी किए थे क्या सब कर रहे थे क्लिप फ्लिपकार्ट को ऐड कर रहे थे और इक्वेस बना रहे थे वो सब कुछ हम कर रहे थे और टाइम टेबल में क्या किया हम लोगों ने एक टेबल को इंसर्ट किया रोज और कॉलम्स को मेंशन किया था और डेटा भी उसके अंदर इंसर्ट किया था और अलाइन भी किया था अलाइन का मतलब क्या है सेंटर अलाइनमेंट याद है डेट तो यहां पे था जब हम लोगों ने अलाइन किया वो सेंटर में आ गया सो so, ये सब कुछ हम पावर पॉइंट में कर चुके थे और ये भी साउंड फाइल साउंड फाइल इंसर्ट किए थे ऑडियो रिकॉर्ड किए थे इंसर्ट किए थे और क्लिपकार्ट ऑडियो भी इंसर्ट किए थे और वीडियो फाइल को भी इंसर्ट किए वीडियो फाइल या फिर आ, कैसे फाइल से वीडियो भी आप इंसर्ट कर सकते हो ओके और ये है एक्शन बटन जिस जिसको हमने प्रीवियस सेशन में देखा था और रेड एक्शन बटन्स को भी हम इंसर्ट कर सकते हैं सो so, आज हम देखने वाले हैं व्यूज ऑफ द पावर पॉइंट स्लाइड सो so, यहां पे तो हम लोगों ने सारी टैब्स ऑलरेडी किया था होम इंसर्ट डिजाइन ट्रांसिशंस और एनिमेशन और स्लाइड शो हम लोग किए थे है ना सो so, आज करने वाले हैं व्यू व्यू का मतलब है कैसे कौन सी डिवाइस में व्यू होना है ओके okay? सो so, इसमें से आप देख सकते हो पहला वाला है नॉर्मल जो हमें यहां पर स्लाइड्स लेफ्ट साइड में स्लाइड दिखेगा और मेन स्लाइड यहाँ पे खुलेगा सो so, यही है व्यू का ऑप्शन पहला ऑप्शन और राइट सो व्यू का पहला ऑप्शन क्या है नॉर्मल ऑप्शन नॉर्मल में क्या होगा स्लाइड्स यहां पे दिखेंगे छोटा सा स्लाइड्स दिखेंगे और जो स्लाइड पे हम काम कर रहे हैं वो स्लाइड यहाँ पे दिखेंगे अभी सोचो स्लाइड स्लॉटर, अभी क्या हो गया स्लाइड क्लिक करने से हमें स्लाइड्स ऐसे आ जाएंगे खाम पे हमें बदलना है रिप्लेस करना है हम रिप्लेस कर सकते हैं देखो समझ में आया आपको So, जब कभी आप स्लाइड को बदलना चाहते हो जस्ट क्लिक ऑन द स्लाइड एंड ड्रैग इट वैल्यू इट क्लिक ऑन द स्लाइड एंड ड्रैग इट वैल्यू वॉन्टेड समझ में आया सो so, वहां पे डालने से क्या होगा स्लाइड वहां पे जाके बैठ जाएगा सो so, अभी वापस रीअरेंज करना है कौन सा है सेकेंड स्लाइड ये वाला है सो so, इसे यहां पे डाल दीजिए सेकेंड स्लाइड में थर्ड स्लाइड कौन सा था ये क्लिप आर्ट स्लाइड था थर्ड स्लाइड स्लाइड सॉर्टर क्लिक एंड ड्रैग आ गया और उसके बाद था टाइम टेबल क्लिक एंड ड्रैग आ गया और उसके बाद था साउंड फाइल क्लिक एंड ड्रैग और उसके बाद था वीडियो फाइल सो क्लिक एंड ड्रैग समझ में आया सो so, सॉर्ट करने के लिए हमें स्लाइड सॉर्टर का यूसेज है ऑलराइट राइट right? So, जब कभी आपको शफल करना पड़ता है या रीअरेंज करना पड़ता है आपका साइज को आप ऐसे स्लाइड सॉर्ट कर सकते हो और सो right? so, देखते हैं तीसरा स्लाइड तीसरा ऑप्शन क्या है ये जो है नोट्स का ऑप्शन है उसका मतलब है हर एक फाइल हर एक स्लाइड के नीचे आप जो एक्सप्लेन करना चाहते हो उसे आप टाइप करके रख सकते हो ओके फॉर एग्जाम्पल देखो दिस इजीआईएफ फाइल This is clip art file. समझ में आया जो आप एक्सप्लेन करना चाहते हो वो उस स्लाइड के नीचे नोट्स के हिसाब से ले सकते हो इज दैट क्लियर अब ये समझ में आया क्यों नोट्स पेज है और राइट सो इसे आप टाइप भी कर सकते हो और आउट भी ले सकते हो सो so, आपको ये तो पता चलेगा कि आप जब सेमिनार शुरू कर रहे हो तब ये आपके फ्रेंड्स को या आपने आप जो क्राउड को आप वो फाइल सेमिनार ले रहे हो उसके सामने आप ये प्रेजेंट कर सकते हो और इसे एक बुकलेट बना के दे भी सकते हो सो so, अभी जो कुछ हम उन लोगों ने आपके आपसे सुना है वो सब आप आ, उन लोगों को याद रखना है तो वो ये इसे यूज कर सकते हैं सो so, ये क्या हो जाएगा ये एक बुकलेट वगैरह हो जाएगा और राइट right? नेक्स्ट ऑप्शन इज रीडिंग व्यू देखा ऑटोमेटिकली स्लाइड जो है करना शुरू कर देते हैं ओके okay? हम रीडिंग व्यू जो होता है देखो पावर पॉइंट स्लाइड के जैसे हर एक स्लाइड को रीड कर सकते हैं याद है ना ये एनिमेशन सब आपको देखा इसमें तो हम लोगों ने एनिमेशन नहीं किया था ओके okay? समझ में आया सो so, जब आपको रीड करना आया तब वो क्लिक करके रीड व्यू कर सकते हो right? और राइट और नेक्स्ट वन इज स्लाइड मास्टर ये जो मास्टर स्लाइड जो है ये क्या करेगा ये हमें इंसर्ट करने की तरीका बदल बदल देगा इसका मतलब है जो स्टाइल हम आज यहां पे क्रिएट कर रहे हैं दैट विल बी अप्लाइड टू ऑल द स्लाइड्स इन पीपीटी इसे कहते हैं मास्टर मास्टर का मतलब है जो फॉन्ट हम चूज करते हैं जो साइज ऑफ द फॉन्ट हम चूज करते हैं जो कलर हम यूज करते हैं जो पोजिशन हम यूज करते हैं वो सब यहाँ पे मैंशन करने से ये क्या हो जाता है कंप्लीटली विल बी अप्लाइड टू द एंटायर पावर पॉइंट स्लाइड समझ में आया आपको और इंसर्ट स्लाइड मास्टर इंसर्ट लेआउट जो लेआउट आप यहाँ पे दे रहे हो वो वैसे का वैसे क्या हो जाएगा स्लाइड में कंप्लीटली स्लाइड में बदल जाएगा और right? जो बैकग्राउंड आप देना चाहते हो जो कलर्स आप देना चाहते हो जो फॉन्ट आप देना चाहते हो दिस बिकम्स लाइक अ मास्टर सो इसके अलावा सब I mean, इससे इसके हिसाब से सभी स्लाइड्स वैसे के वैसे फॉन्ट बन जाएंगे टाइटल में होगा तो आपने देखा था ना फ्लावर्स वो टाइटल भी जो फॉन्ट हम यहाँ पे दे रहे हैं वो फॉन्ट वहां पे आ जाएगा और सो right? so, ये है मास्टर्स और ये है आउट मास्टर हैंड आउट मास्टर का मतलब है जो स्मॉल स्मॉल पिक्चर्स यहाँ पे रखते हैं पावर पॉइंट स्लाइड सब क्या हो जाता है स्मॉल स्मॉल पिक्चर्स के हिसाब से यहाँ पे स्टिक हो जाता है ओके यहाँ पे पेस्ट होने से क्या होता है आप इसे प्रिंटआउट लेके दे सकते हो हैंड आउट का मतलब क्या है जस्ट पैम्पलेट्स पैम्पलेट दे सकते हो अपने सेमिनार के बिगिनिंग पे ये सब आप दे सकते हो सो so, इसे देख के क्या होगा वो क्राउड को मालूम पड़ेगा तो कि आप किसके बारे में बात करने वाले हो ओके okay? वो तो एक आइडिया आ जाएगा और राइट सो इसके लिए हैंड क्रिएट करते हैं सो so, यहाँ पे क्या आएगा स्लाइड्स का पिक्चर्स आ जाएगा स्लाइड्स का हर एक स्लाइड यहाँ पे मिनिमाइज होके आ जाएगा समझ में आया और उसके बाद देखने वाले हैं नोट्स मास्टर जो सिर्फ नोट्स हैं वो सब कुछ नोट्स यहाँ पे आ जाएगा और इसे भी आप आउट लेके दे सकते हो समझ में आया आपको सो यही है व्यूज और रूलर क्या होता है रूलर होता है मेशरमेंट ओके सो अभी जो पिक्चर्स आप प्लेस करना चाहते हो उसे परफेक्टली स्पेस आउट करके पेस कर सकते हो ग्रिड लाइन्स क्या होता है देखा जो लाइंस यहां पे आ रहा है उसे कहते हैं ग्रिड लाइंस ये मेशरमेंट पॉइंट्स है हर एक बॉक्स एक यूनिट होगा ऑलराइट right? और गाइड्स गाइड्स का मतलब है सेंटर ऑफ द स्टेज सेंटर ऑफ योर मॉनिटर ये भी गाइड्स है समझ में आया सो so, जूम करना है तो क्या कर सकते हैं क्लिक करना है और जूम हंड्रेड परसेंट ओके देखा हंड्रेड परसेंट जूम हो गया है सो so, नहीं चाहिए मुझे मुझे फिफ्टी परसेंट चाहिए जूम देखा फिफ्टी परसेंट जूम सो ऐसे हम लोग इसे बड़ा भी कर सकते हैं छोटा भी कर सकते हैं और देख भी सकते हैं राइट फिट टू विंडो मतलब कंप्लीटली फिट हो जाएगा विंडो के लिए जूम द प्रेजेंटेशन सो दैट द साइड फिल्स फिट्स द विंडो ओके सो ऐसे ही फिट हो जाएगा और जो कलर्स आप चेंज करने वाले हो या ग्रे स्केल आप चेंज करने वाले हो सब कुछ आप चेंज कर सकते हो इज दैट क्लियर सो ऐसे ही क्या करना पड़ेगा हमें वी विल यूज द व्यूज ऑफ द प्रेजेंटेशन स्लाइड सो हम लोगों ने क्या देखा है चिल्ड्रन आज आज देखें कैसे एक प्रेजेंटेशन स्लाइड को व्यू कर सकते हैं और कैसे हैंड बना सकते हैं उस स्लाइड से और सो नेक्स्ट सेशन पे और नेक्स्ट टॉपिक पे हम लोग मिलते हैं ओके अंटिल देन बाय बाय टेक केयर